Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Showtime guys. So first let's call upon stage our red color. Next we'll have on stage the orange color. A big round of applause for the blue color. के बाद अब हम लेकर आ जाते हैं पर्पल कलर को, pretty purple. के बाद हम मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे पिंक कलर को, टाडा. एंड नाउ लेट्स इनवाइट द येलो कलर. लास्टली लेट मी कॉल ऑन स्टेज द लाइफ कलर विच इज ग्रीन कलर, द कलर ऑफ द मदर अर्थ. सो हियर इट कम्स. हे गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस. मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग घर में ही नेचुरल फूड कलर्स कैसे बना सकते हैं. वैसे तो हमें सारे कलर्स बाजार में मिल ही जाते हैं, बट हम सब ने सुना हुआ है कि बहुत सिंथेटिक होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं. तो हम मोस्टली सारे कलर्स घर में बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं इनको. और हम इनको 1 से 2 हफ्ते तक के लिए फ्रीज करके रख भी सकते हैं, तो अगर हमें थोड़े टाइम बाद इनको यूज़ करना हो तो भी हमारे काम आ सकते हैं. तो इसलिए क्यों ना हम सारी सिंथेटिक चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा करके और सब कुछ नेचुरल करें. तो उसी रेजीम में ये एक स्टेप है कि हम फूड कलर्स भी नेचुरली बनाएं. तो आइए देखते हैं कि ये फूड कलर्स कैसे बनाए जाते हैं. अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लगातार देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें. याद रहे ये बिल्कुल फ्री है. इसी के साथ नीचे दिए गए बेल आइकन यानी कि घंटी के सिंबल को क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए. नेचुरल फूड कलर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बीटरूट या चुकंदर, इससे हम पिंक कलर या रेड कलर बनाएंगे. उसके अलावा ऑरेंज कलर के लिए मैंने यहाँ पर ली हुई है 2 ऑरेंज वाली कैरेट्स यानी कि गाजर. ऑरेंज कलर हमें हल्दी से भी मिल सकता है, मगर हल्दी से थोड़ा सा एक टेस्ट भी जो भी हम डिश बना रहे हैं उसमें आता है. तो अगर हम कुछ सॉल्टी बना रहे हैं तो हम इसका हल्दी यानी कि टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, मगर स्वीट डिशेस में हल्दी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है. तो उसके लिए आप ऑल्टरनेटिव है कि आप कैरेट्स को यूज़ कर सकते हैं. येलो कलर के लिए मैंने यहाँ पर केसर ली हुई है, इससे बहुत ही अच्छा सा एक येलो कलर आ जाता है. इसके अलावा ग्रीन कलर के लिए मैंने लिया है पालक, और पर्पल कलर के लिए मैंने ली है ये रेड या पर्पल पत्ता गोभी. ये आपको आजकल मार्केट में ईजिली मिल जाती है. और इसी से ही हम बनाएंगे ब्लू कलर. इससे ब्लू कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और मैंने साथ में लिया है पानी इन चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए ताकि हम इसका कलर निकाल सकें. और अब मैं कलर के कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बता देती हूँ. अगर हम लोग को येलो कलर चाहिए तो एक और बहुत अच्छा सोर्स है उसका, एक मैंगो. आप मैंगो यूज़ कर सकते हैं. और ग्रीन कलर के लिए आप कीवी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कीवी जो है वो अच्छा सा राइप होना चाहिए, तो उसका थोड़ा सा ब्राइट ग्रीन कलर होगा. और फिर भी अगर आप उसको अपनी किसी भी डिश में कलर के लिए डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्रीन कलर आपको शायद ना दे पाए. तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा अगर पालक का जूस डाल देंगे तो वो हमें एक अच्छा ग्रीन कलर देगा. और इसके अलावा रेड कलर के लिए आप पोमोग्रेनेट का जूस भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगेन वो भी अगर आप थोड़ा उसको कॉन्सेंट्रेट कर दें बॉईल करके तो वो फिर भी थोड़ा सा डीपर रेड कलर देगा, वरना वो भी थोड़ा सा फेंट रेड पिंकिश लाइट पिंकिश कलर हमको देगा. अब अगर आप कुछ केक्स या पेस्ट्रीज या फिर कोई स्मूदीज बना रहे हो तो भी आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं, और आइसक्रीम्स में भी आप ये नेचुरल फूड कलर्स डालेंगे तो बेटर रहेगा. तो आइए शुरू करते हैं कि हम ये नेचुरल फूड कलर्स कैसे बनाएं. तो आइए सबसे पहले ऑरेंज कलर से शुरू करते हैं जो कि हम ऑरेंज कैरेट से बनाने वाले हैं. तो हम ऑरेंज कैरेट को थोड़ा सा छोटा करके एक मिक्सर में मिक्सी के जार में डाल देंगे, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे. तो अब ये हमारी जो गाजर है उसकी प्यूरी बन चुकी है, इसको अब हम स्ट्रेन कर लेंगे. तो ये स्ट्रेन करने के बाद देखिए मुझे इतना सारा इसका लिक्विड मिल गया है. तो अब हम चलते हैं पिंक कलर की तरफ.
उसके लिए हम लोग ये बीट रूट लेंगे और उसको एक विसल या दो विसल आने तक कुकर में बॉईल कर लेंगे थोड़े से पानी के साथ। अगर हम बीट रूट को ऐसे ही मिक्सी में चला देंगे तो उसका थोड़ा सा स्ट्रांग फ्लेवर आएगा, इसलिए हम लोग उसको बॉईल करके और फिर चलाएंगे। तो अब हम इसको मिक्सी में चला देंगे और फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। मिक्सी में चलाते वक्त आप अलग से पानी ना डालें, यही जो पानी इसमें बच गया है और जो थोड़ा बीट रूट ने छोड़ दिया है वो ही यूज़ कर लें। अब हमारी बीट रूट की प्यूरी भी रेडी है, अब हम इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। और अब हम बना लेते हैं ग्रीन कलर। कढ़ाई के अंदर मैं ये पालक के पत्ते डाल रही हूँ और इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, जब तक ये पालक के पत्तों का कलर थोड़ा सा फेंट ना होने लग जाए। तो अब यहाँ पर लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, पालक को मिक्सी में चलाकर और उसको स्ट्रेन करेंगे तब तो हमें एक ब्राइट ग्रीन कलर इसका मिल जाएगा। एंड टरा, हमारा ग्रीन कलर भी रेडी है और देखिए कितना ब्राइट और कितना ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है। तो अब हम इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे, बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर भी रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं पर्पल और ब्लू कलर की तरफ। तो ये मैंने पर्पल वाली पत्ता गोभी ले ली है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके और एक कढ़ाई में डाल दूंगी और उसके अंदर थोड़ा पानी डाल के हम इसको तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये पत्ता गोभी का कलर थोड़ा सा फेंट ना होने लगे। तो अब हमारा ये जो रेड कैबेज है या पर्पल कैबेज है, इसको जो भी बोल दें आप, वो भी बॉईल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा एक पर्पल कलर आया है। अब हमारे पास ये पर्पल कलर भी तैयार है, आइए इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लूबेरीज भी यूज कर सकते हैं इस कलर के लिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट कलर तैयार, पर्पल कलर। और अब हम करेंगे कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स। हमने ये रेड कैबेज का या पर्पल कैबेज का कलर जो है उसको 3 बाउल्स में ले लिया है और अब हम 1 बाउल के अंदर ऐसे ही रहने देंगे उसको। तो ये वाला बाउल मैंने ले लिया है और इसमें मैंने मिला दिया है ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसको थोड़ा सा मैजिक 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 गिली गिली छू उड़न छू ये सब हम बोलेंगे। और देखिए ये कलर हो गया है ब्लू। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखना चाहें ये देखिए। और थर्ड वाले में अब हम थोड़ा सा लेमन जूस मिलाएंगे, देखते हैं उससे क्या मैजिक होता है। और ये मिल गया हमें पिंक कलर। वाओ, ये तो मैजिक हो गया। देखा, साइंस पढ़ने का कुछ तो काम आया हम लोगों को। ये सेम चीज से हमें 3 कलर्स मिल गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेड कैबेज होती है उसके अंदर जब हम नींबू या फिर बेकिंग सोडा डालते हैं तो ये दोनों के पीएच को चेंज कर देते हैं। रेड कैबेज एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर है। और अब हम येलो कलर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया हुआ है, इसमें मैं अब लगभग 10-12 केसर की पत्तियां डाल दूंगी। जितना ज्यादा ब्राइट आपको केसर का कलर चाहिए उतना ही ज्यादा आप इसमें केसर मिला दें और इसको 15 से 20 मिनट तक का टाइम दें, तब तक केसर अपना सारा कलर छोड़ देगी। इफ अ रेसिपी कॉल्स फॉर सम वाटर एंड यू नीड टू गिव इट अ कलर, तो आप उसका प्रपोर्शन कुछ इस तरीके से करिए कि जितने स्पून्स आप कलर के डाल रहे हैं उतना ही फिर पानी या कोई भी लिक्विड जो आप और डाल रहे हैं वो उतना ही कम कर। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहिए और कलर्स को मिलाते रहिए। अपनी लाइफ में भी कलर्स भरिए और अपने खाने में भी कलर्स भरिए।